The rowing speed of a man relative to water is 5 km per hour. V दी हुई है ये, एंड द स्पीड ऑफ वाटर फ्लो इज 3 किलोमीटर पर आर, ये यू है. एट वॉट एंगल टू द रिवर फ्लो शुड ही हैड इफ यू वॉन्ट्स टू रीच द पॉइंट ऑन द अदर बैंक डायरेक्टली अपोजिट टू द स्टार्टिंग पॉइंट. शॉर्टेस्ट पाथ से आपको स्विम करना है, शॉर्टेस्ट पाथ से. तो सिचुएशन ये होती थी कि पर्सन रिवर फ्लो के अपोजिट डायरेक्शन में किसी एंगल पे स्विम करेगा. ठीक है, रिवर फ्लो जो है वो इस तरफ है. वर्टिकल से मान लिया कुछ एंगल बनाया उसने थीटा, और वी वेलोसिटी से वो स्विम कर रहा है. तो कंसेप्ट ये होता था कि वी वेलोसिटी इस तरह से थीटा एंगल पे लाइन होनी चाहिए ताकि वी साइन थीटा का जो कंपोनेंट है वो रिवर की वेलोसिटी को पूरी तरह से काउंटर करके ख़त्म कर दे, और जो वी कॉस थीटा का कंपोनेंट है वो उस रिवर को क्रॉस कराने में हेल्प करेगा. ठीक है, तो आपकी क्वेश्चन बनी वी साइन थीटा इज इक्वल टू यू. तो साइन थीटा कितना आ गया, साइन थीटा आ गया यू अपॉन वी. यू दी आपको 3 और वी दी है 5, तो ये एंगल जो बना थीटा ये 37 डिग्री हो गया. 37 डिग्री तो है इस वर्टिकल डायरेक्शन से, तो रिवर फ्लो की डायरेक्शन से कितना एंगल होगा, ये पूरा एंगल, तो 90 प्लस 37 हो जाएगा. तो आपका आंसर बनेगा 90 प्लस 37 मतलब 127 ए पार्ट. ए मैन वॉन्ट्स टू रीच पॉइंट बी ऑन द अपोजिट बैंक ऑफ ए रिवर फ्लोइंग एट ए स्पीड एज शोन इन ए फिगर. यू की स्पीड से रिवर फ्लो कर रही है और इस पर्सन को ए से बी पे पहुंचना है जो कि यहाँ से 45 डिग्री एंगल है. विद वॉट मिनिमम स्पीड एंड इन विच डायरेक्शन शुड द मैन स्विम रिलेटिव टू द वाटर सो दैट ही कैन रीच पॉइंट बी. पूछना किस डायरेक्शन में कितनी स्पीड से, मिनिमम स्पीड से वो स्विम करे ताकि वो बी तक पहुँच जाए. तो बी तक पहुँचना है तो नेट वेलोसिटी जो है वो इस डायरेक्शन में होनी चाहिए. पर्सन की वेलोसिटी और रिवर की वेलोसिटी का जो रिजल्टेंट होगा, पर्सन किसी तरफ जाना चाहेगा, रिवर कहीं और ले जाना चाहेगी, तो उनका जो रिजल्टेंट होगा वो 45 एंगल पे होना चाहिए. तो इन चार ऑप्शंस में से हम क्रॉस चेक कर लेते हैं कि किसका रिजल्टेंट 45 पे आ जाएगा. तो पहला केस है अगर यू वेलोसिटी 45 डिग्री पे हो नॉर्थ वेस्ट. ठीक है, नॉर्थ वेस्ट जरा बना लेते हैं इस तरह से सिचुएशन. यू है 45 डिग्री नॉर्थ वेस्ट, तो नॉर्थ वेस्ट तो डायरेक्शन ये हुई, ये है यू, ये यू है, और रिवर की वेलोसिटी इस तरफ है यू. ठीक, तो जरा कंपोनेंट्स हम ब्रेक करें, क्या इनका रिजल्टेंट इस तरफ आएगा. तो ये है आपका यू बाई रूट टू, और ये भी कितनी होगी यू बाई रूट टू, और रिवर की वेलोसिटी इस तरफ है यू. तो इस तरफ नेट वेलोसिटी आ गई यू माइनस यू बाई रूट टू, और इस डायरेक्शन में वाई डायरेक्शन में कितनी है यू रूट टू, यू यू बाई रूट टू. तो इनकी ये दोनों बराबर तो है नहीं, और जब ये बराबर नहीं है तो इनका रिजल्टेंट यहाँ से 45 पे नहीं निकलेगा, तो ये आंसर नहीं बनेगा. हमें ऐसे करने करके चेक करने होंगे. जरा दूसरा ऑप्शन देखते हैं. यू 45 ऑफ नॉर्थ ईस्ट, नॉर्थ ईस्ट मतलब ये है यू. तो जब ये खुद ही हो गई इस तरफ 45 के एंगल पे, ठीक है 45 एंगल पे खुद ही हो गई, और रिवर भी इसको यू इस तरफ लेके जाएगी, तो ये तो बहुत नीचे कम एंगल हो जाएगा, काफ़ी कम एंगल हो जाएगा. तो ये तो वैसे ही नहीं आंसर बनेगा. ठीक है, ये भी गलत हो गया. यू बाई रूट टू 45 डिग्री नॉर्थ वेस्ट, जरा इस पर सोचते हैं. नॉर्थ वेस्ट ये डायरेक्शन हुई और ये वेलोसिटी है यू बाई रूट टू, यू बाई रूट टू. तो उसका ये कंपोनेंट होगा यू बाई रूट टू का भी 1/√2 यानी यू बाई टू, और ये वाला कंपोनेंट भी हो जाएगा यू बाई टू, और रिवर की वेलोसिटी यू इस तरफ है. अब जरा रिजल्टेंट देखें क्या 45 पे बनेगा. तो यू बाई टू और यू का रिजल्टेंट यू माइनस यू बाई टू हो जाएगा, जो कि खुद यू बाई टू होगा. ठीक, और ये यू बाई टू है ही, हाँ, तो ये आंसर बन जाएगा, क्योंकि यू बाई टू बराबर हो गए तो इनका रिजल्टेंट एग्जैक्टली 20 से निकलेगा. तो वो पर्सन जो है वो उस पाथ पे चला जाएगा, 45 डिग्री के पाथ पे रिजल्टेंट इफेक्टिवली उस 45 डिग्री के पाथ पे चला जाएगा. तो आपका आंसर बनेगा सी पार्ट. नॉर्थ ईस्ट, नॉर्थ ईस्ट जरा इसको भी बना के देख लेते हैं. तो ये खुद से यू बाई रूट टू नॉर्थ ईस्ट है, ये यू बाई रूट टू खुद से ये नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन में, और उसके साइन और कॉस कंपोनेंट देखेंगे तो यू बाई टू और यू बाई टू आ जाएगा, और रिवर की वेलोसिटी भी यू उसी तरफ है, तो नेट वेलोसिटी यू बाई टू प्लस यू मतलब 3 यू बाई टू हो गई है. तो
एक्स डायरेक्शन में, और वाई डायरेक्शन में सिर्फ यू बाई टू है, तो इनका रिजल्टेंट 45 पे तो नहीं आएगा, तो ये आंसर भी नहीं बनेगा। तो आपका आंसर सिर्फ क्या बनेगा, सी पार्ट। 13th, टू ट्रेन्स आर 50 मीटर लॉन्ग, ईच 50 मीटर लॉन्ग, मूविंग पैरेलल टुवर्ड्स ईच अदर एट ए स्पीड ऑफ 10 मीटर पर सेकेंड एंड 15 मीटर पर सेकेंड, 15 मीटर पर सेकेंड रिस्पेक्टिवली, एट वॉट टाइम दे विल पास ईच अदर। अभी पैरेलल तो मूव कर रही हैं, बट अपोजिट डायरेक्शन मूव कर रही हैं कि सेम डायरेक्शन मूव कर रही हैं, वो उन्होंने कहीं कहा नहीं है शायद। हाँ लिखा है टुवर्ड्स ईच अदर, मूविंग पैरेलल टुवर्ड्स ईच अदर, तो एक ट्रेन इधर से आ रही है और एक ट्रेन उधर से आ रही है, तो कितनी देर में क्रॉस कर देंगे। तो इसका जो फॉर्मुलेशन होता है टाइम का, टोटल लेंथ L1 प्लस L2 और टोटल वेलोसिटी इस केस में आ जाती है रिलेटिव वेलोसिटी V1 प्लस V2, इतना टाइम लगेगा उनको क्रॉस करने में। तो कर लेते हैं लेंथ 50 प्लस 50 ये 100 हो जाएगी, और V1 प्लस V2 करेंगे तो 25 हो जाएगा, तो 4 सेकंड में वो दोनों ट्रेन एक दूसरे को क्रॉस कर देंगे। ए मैन इज 25 मीटर बिहाइंड ए बस व्हेन बस स्टार्ट एसिलेटिंग एट ए रेट ऑफ 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर एंड मैन स्टार्ट मूविंग विद ए कॉन्स्टेंट वेलोसिटी ऑफ 10 मीटर पर सेकेंड, द टाइम टेकन बाई हिम टू बोर्ड द बस, बस तक पहुँचने में कितना टाइम लगेगा उसको। तो आप पहले सिचुएशन समझ लो, हो क्या रहा है यहाँ पे। एक ये बस है यहाँ पे, बस का एसलरेशन दिया है कितना, टू, इनिशियल वेलोसिटी 0 है बट एसलरेशन है 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, और पर्सन के पास एसलरेशन नहीं है, उसके पास वेलोसिटी है, कांस्टेंट वेलोसिटी से दौड़ रहा है वो 10 मीटर पर सेकेंड से, और कितना दूर है बस से, 25 मीटर दूर है। बस को कितनी देर में पकड़ लेगा वो आपसे पूछ रहे हैं, तो बस के रिस्पेक्ट में जाते हैं, विद रिस्पेक्ट टू बस। तो बस तो आगे रेस्ट में, और बस के पास जो कुछ भी होगा पर्सन को मिल जाएगा, तो वेलोसिटी तो है नहीं, एसलेशन है, तो एसलेशन पर्सन को मिलेगा पीछे की तरफ, तो पर्सन के लिए काम करेगा वो रिटार्डेशन का। तो इनिशियल वेलोसिटी अब 10 मीटर पर सेकेंड हो गई पर्सन की, और रिटार्डेशन बन गया 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, डिस्टेंस कितनी ट्रेवल करनी है 25 मीटर, कितनी देर में बस पकड़ लेगा वो हमें पता करना है। तो हम इक्वेशन लगा रहे हैं एस इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, डिस्टेंस कितनी ट्रेवल करनी है 25 मीटर, वेलोसिटी है 10 टाइम टी माइनस हाफ 2 इंटू टी का स्क्वायर, माइनस क्यों लगाया वो समझ में आया आपको, रिटार्डेशन है वो अपोजिट डायरेक्शन में। तो इक्वेशन ये बन गई टी स्क्वायर माइनस 10 टी प्लस 25 इज इक्वल टू 0। तो रूट्स अगर हम बनाएंगे तो ये टी माइनस 5 का स्क्वायर है शायद, तो टाइम जो लगेगा वो 5 सेकंड लगेगा, एग्जैक्टली 5 सेकंड पर वो उस बस को पकड़ लेगा। अगर बस इससे 25 मीटर से 1 मीटर भी आगे होती 26 मीटर, ठीक है, तो इसके जो रूट्स हैं वो इमेजनरी रूट्स हो जाते, इसका मतलब पर्सन बस को कभी भी नहीं पकड़ पाता। और अगर बस 25 मीटर से कम डिस्टेंस पे होती 23 मीटर 24 मीटर 20 मीटर 15 मीटर तो पर्सन बस को दो बार पकड़ सकता था। दो बार पकड़ने का मतलब क्या हुआ कि पर्सन दौड़ता हुआ जाएगा 10 से, तो पहली बार में चढ़ना चाहेगा तो चढ़ जाएगा, वरना बस से आगे निकल जाएगा भाग के, और बस से भाग के आगे निकल जाएगा, फिर बस धीरे धीरे एसलेट करके बस अपनी स्पीड बढ़ाई तो बस फिर से पर्सन के पास से निकलेगी। यानी अगर ये डिस्टेंस 25 मीटर से कम हुई, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको ढंग से समझो आप, डिस्क्रिमिनेंट 0 आ रहा है यहाँ पे, एक ही रूट आ रहा है। अगर ये 25 मीटर से कम होती तो यहाँ दो रूट मिलते T1 और T2, दो रूट मिलते, तो दो रूट का मतलब क्या हुआ, तो पहले रूट में क्या होगा, पर्सन जो है वो बस से आगे भाग जाएगा, बस के सामने से निकल जाएगा, बट पर्सन की स्पीड ज़्यादा होगी, बस उतनी स्पीड गेन नहीं कर पाएगी, तो पर्सन चाहे तो बोर्ड कर सकता है और चाहे तो बस से आगे भाग के निकल जाएगा, बट पर्सन तो कॉन्स्टेंट स्पीड से ही दौड़ रहा है, तो बस धीरे धीरे स्पीड गेन करेगी, तो दूसरी पोजिशन फिर से आएगी जब पर्सन के सामने से बस निकलेगी, इस टाइम बस की स्पीड ज़्यादा होगी और बस जो है वो पर्सन के पास से निकल रही होगी आगे की तरफ, तो पर्सन यहाँ पे भी जंप मार सकता है और पर्सन यहाँ पे भी जंप मार सकता है, तो दोनों आंसर होते। फिफ्टींथ, ए बॉल इज ड्रॉप फ्रॉम द टॉप ऑफ ए बिल्डिंग 100 मीटर हाई, एट द सेम इंस्टेंट अनदर बॉल इज थ्रोन अपवर्ड विद अ वेलोसिटी ऑफ 40 मीटर पर सेकेंड फ्रॉम द बॉटम ऑफ द बिल्डिंग, द टू बॉल्स विल मीट आफ्टर। एक बॉल ऊपर से गिराई गई है रेस से, एक बॉल नीचे से फेंकी गई है कितनी स्पीड से, 40 मीटर पर सेकंड से, इनके बीच में जो गैप है वो है 100 मीटर, कब मिल जाएंगी ये आपसे पूछ रहे हैं। तो रिलेटिव मोशन कर लेते हैं,
इसकी इनिशियल वेलोसिटी 0, एसलेशन जी, इसकी इनिशियल वेलोसिटी 40, एसलेशन जी। ये बॉल है ए, ये बॉल है बी। विद रिस्पेक्ट टू ए के रिस्पेक्ट में देख लेते हैं, तो ए का सब कुछ बी को दे देंगे डायरेक्शन अपोजिट करके, तो वेलोसिटी तो है नहीं, तो वेलोसिटी तो मिल नहीं सकती उसको कुछ। हाँ, एसलेशन जी है नीचे की तरफ, तो बी को जब मिलेगा तो जी कहाँ मिलेगा, ऊपर की तरफ, तो जी से जी कैंसिल आउट हो गया। इसका मतलब बी का मोशन ए के रिस्पेक्ट में कॉन्स्टेंट वेलोसिटी से होगा। अब देखो एसलेशन जीरो हो गया कि नहीं, एसलेशन ऑफ बी विद रिस्पेक्ट टू ए कितना हो गया, जीरो। इसका मतलब वेलोसिटी ऑफ वी विद रिस्पेक्ट टू ए वो कॉन्स्टेंट रहेगी, कॉन्स्टेंट वेलोसिटी 40 मीटर पर सेकेंड से ऊपर की तरफ चलेगा ए के रिस्पेक्ट में। 100 मीटर चलना है तो कितने टाइम में पहुंच जाएगा, 2.5 सेकेंड्स में। सो योर आंसर विल बी 2.5 सेकेंड्स।